हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाइपर राइडर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ टाटा की जो हैचबैक में सबसे सेफ कार, जो कि सबसे पहले 4 स्टार ग्लोबल NCAP में लेके आई थी और अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है, टाटा टियागो, जो कि इसका हमारे पास है XZ+ वेरियंट। तो आज मैं आपको इसका रिव्यू दूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो पूरा देखना, काफ़ी मेहनत लगती है पूरी वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ पर कुछ गलती हुई, कहाँ कुछ छूटा या कुछ रहा। आपकी इन्हें कमेंट के कारण मैं और भी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचा पाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके का लोगो पूरा पोर्शन इसमें हमें देखने को मिलता है। बीच में टाटा की हमें ब्रांडिंग देखने को मिलती है ग्रिल के ऊपर। वहीं साथ में हेडलाइट की बात करें तो इसके ऊपर हमें ये क्रोम का काम थोड़ा सा देखने को मिलता है। और इसमें सेटअप हमें दोनों ही हैलोजन के ही देखने को मिलते हैं। लो बीम हमें इसकी प्रोजेक्टर दी गई है और हाई बीम हमें इसमें नॉर्मल बल्ब वाली देखने को मिलती है। दोनों ही तरफ इस तरीके का पोर्शन हमें देखने को मिलता है। सामने की यहाँ आपको एक कटआउट दिख रहा है, ये आपका टोक है और नंबर प्लेट की जगह ऊपर ये छोटी सी ब्लैक कलर की ग्रिल, नीचे ये ग्रिल हमें इस तरीके से कंपनी ने प्रोवाइड की है। फॉग लैंप इसमें कंपनी हमें लगा के देती है। वहीं हम इसकी सामने की प्रोफाइल से इसकी चौड़ाई की बात करें, 1677 mm की इसमें हमें विड्थ देखने को मिलती है, जिससे आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैगनार से कितनी ज़्यादा जगह इस गाड़ी के अंदर हमें देखने को मिलती है। और वैगनार से ज़्यादा सेफ्टी इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है। वहीं इसके साइड प्रोफाइल की हम बात करें तो सबसे पहले जहाँ आपकी साइड प्रोफाइल में आते ही नज़र जाएगी वो है इसके अलॉय व्हील। इसके टायर साइज और इसका अलॉय व्हील मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का इसमें हमें अलॉय व्हील देखने को मिलता है। और इसके टायर साइज़ की बात करूं तो ये देखो 175/60 R15 15 इंच के टायर इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जो कि वैगनार के जो नीचे वाले मॉडल हैं वो 13 इंच के देते हैं, टॉप मॉडल 14 इंच का देगा, लेकिन यहाँ आपको 15 इंच के देखने को मिले, जो कि इसके लिए एक और प्लस पॉइंट हमें मिल जाता है। अब बात करें इसकी ओवरऑल लंबाई की तो ये 4 मीटर के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिसकी इसकी टोटल लेंथ हमारी है 3765 mm की। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी हमें देखने को मिलती है। वहीं इसके व्हील बेस की बात करें तो ये 2400 mm का देखने को हमें मिलता है। तो 2400 mm का व्हील बेस है तो स्पेस भी आपको इसमें भरपूर मिलेगा। तो मैं थोड़ी देर में इसके अंदर आपको बैठ के इसका स्पेस भी दिखा दूंगा। वहीं इसके डोर हैंडल्स की बात करें तो डोर हैंडल इसमें हमें बॉडी कलर ही देखने को मिलते हैं, आगे भी पीछे भी। वहीं इसके डोर की बात करें तो ये देखो आपको यहाँ से लेके और बिल्कुल पीछे तक क्रोम की लाइन देखने को मिलती है, जो कि इसमें एक और काफ़ी अच्छा एलिमेंट ऐड कर देती है। वहीं इसके बैक मिरर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल हमें देखने को मिलता है। और इसी के ऊपर हमें ये स्ट्रिप भी देखने को मिल जाती है, जो कि LED की स्ट्रिप कंपनी ने हमें यहाँ प्रोवाइड कराई है। तो ये इसका कुछ साइड लुक था जो कि आपको देखने में इस तरह का लगता है। वहीं अब हम इसके फ्यूल की बात करें तो ये पेट्रोल वेरिएंट है और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें हमें 35 लीटर की कंपनी ने प्रोवाइड करी है। तो काफ़ी अच्छा फ्यूल टैंक इसमें दिया। और ये कंपनी जो क्लेम करती है वो माइलेज करती है 18 से 19 तक का, लेकिन ये आपको सिटी के अंदर 15 की माइलेज इजीली निकाल के दे देगी। अब इसके बैक की बात करें तो बैक से देखो कितना प्यारा लुक इसमें हमें देखने को मिलता है। भाई कुछ भी कहो, टाटा ने मारुति की तरह मॉडल बनाने भी काफ़ी अच्छे शुरू कर दिए, बड़ा प्यारे लुक देते हैं जैसे मारुति गाड़ियाँ देती हैं। तो अब इसके बैक प्रोफाइल की बात करें तो इसकी टेल लाइट देखो, इसके ऊपर भी यहाँ पर कंपनी ने क्रोम का ट्रीटमेंट, ये टेल लाइट रेड में है। वहीं ये इसका इंडिकेटर है हैलोजन में और ये इसकी बैक लाइट है। साथ में टियागो की 3D में ब्रांडिंग, ये टाटा की ब्रांडिंग, ये ओपन करने के लिए इसकी डिगी को की का स्विच, और ये देखो क्रोम की लाइनिंग, कितनी अच्छी क्रोम लाइनिंग इसमें कंपनी ने हमें प्रोवाइड कराई है। वहीं नीचे की तरफ बात करें तो ये देखो इसमें कैमरा, जो शायद मुझे लगता है उन्होंने बाहर से लगवाया है। वहीं इसमें 4 पॉइंट आपको
चार सेंसर पॉइंट पीछे की तरफ देखने को मिल जाते हैं। वहीं नीचे की तरफ यहाँ हमें जगह मिलती है नंबर प्लेट की, और ब्लैक कलर में, वहीं वाइट कलर में कुछ इस तरीके का लुक इसमें हमें देखने को मिलता है। विंडशील्ड की बात करें तो विंडशील्ड के ऊपर कंपनी ने हमें पीछे का वाइपर और डिफोगर दोनों ही प्रोवाइड किए हैं, जो कि एक टॉप क्लास चीज़ है जो कि देनी चाहिए कंपनी को। और मैंने आपको बताया था ये XZ प्लस वेरिएंट है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और ये है इसकी प्रोफाइल इस साइड से, तो बताओ कैसी आपको ये गाड़ी लगती है। वहीं इसके रूफ लाइन की बात करें तो बिल्कुल ये स्ट्रेट जाती है, तो आपको हेड रूम की इसमें कहीं भी कमी नहीं होगी। वैगनार में मैंने आपको हेड रूम इसलिए नहीं दिखाया, भाई जानते ही हैं टोल बॉय है तो क्या ही दिक्कत है। ये इसका कुछ इस तरीके का लुक है। अब इसके अंदर चलेंगे हम और इसके अंदर के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी की दिखा दूं। तो ये है इसकी की, जो कि हमें फ्लिप की देखने को मिलती है। वहीं पे इसमें लॉक अनलॉक और ये फॉलो मी लैंप का कंपनी ने दिया है, तो काफ़ी अच्छी इसमें की है। तो अब हम करते इसको अनलॉक, ये गाड़ी हो गई अनलॉक। और तो सबसे पहले अब हम इसके डोर ट्रिम की बात करें तो डुअल टोन में हमें इसका डोर ट्रिम देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके का ऊपर ही हमें ब्लैक कलर का फाइबर ही है। ये भी हर चीज़ हमें यहाँ पे फाइबर में दी गई, सॉफ्ट टच कहीं भी नहीं मिलता। वहीं ये देखो इसकी पावर विंडो, चारों इसके अंदर हमें पावर विंडो देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ बात करें, ये इसकी स्पीकर ग्रिल, यहाँ पर कंपनी ने लिख के भी दिया है आधे लीटर की बोतल आप यहाँ ईजिली इसमें बिठा सकते हैं। और ये देखो, ये वही मारुति वाला पुराना स्टाइल, इसको तो चेंज किया ही नहीं मारुति ने, कर दिया जबकि इसको यहाँ दे दिया, लेकिन इन्होंने नहीं किया, ये ऐसे ही क्विड रखती है। ये क्रोम कलर में इसका डोर हैंडल, और जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए साइड मिरर को, यहाँ पर आपको नोज दी है। अब इसके अंदर चलता हूँ और आपको इसकी स्टोरेज, इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। ये देखो, ये जो बात आती है ना, इसको पकड़ने में काफ़ी सॉलिड फीलिंग आती है, जैसे वॉक्सवैगन की गाड़ियों में। ये हैंडल हमें दिया है, इसको पकड़ो रही है धम, आपने आवाज़ सुनी थड की, फिर सुनाता हूँ। ये देखो बिल्ड क्वालिटी का, इस चीज़ से पता लगता है भाई टाटा को ऐसे ही नहीं माना जाता बिल्ड क्वालिटी का जादूगर। तो अब लगाते हैं इसमें इसकी की, और ये देखो एक पूरा स्वाइप लिया है इसने। तो सबसे पहले मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं, पूरा स्वाइप लेता है। यहाँ हमें RPM मीटर, ये हमें स्पीडोमीटर, बीच में एक छोटी सी MID जिसके अंदर आपको फ्यूल मीटर, टाइम और ओडोमीटर देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक छोटी सी नोब ये यहाँ दी है, यहाँ नीचे की तरफ। मैं गणेश जी को साइड करूँ तो ये देखो, यहाँ से आप इजीली इनको चेंज कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ ये हमें मोड दिया जिसमें आप सिटी लिखा हुआ देख सकते हैं, ये रहा। तो इस तरीके का इसमें मीटर कंसोल हमें देखने को मिलता है। अब यहीं पे बात करते हैं स्टेयरिंग की, तो ये देखो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ये आपको फ़ोन उठाने के लिए और वॉइस असिस्टेंट के लिए दिया है। ये आपको एयरबैग की ब्रांडिंग, एक एयरबैग कंपनी ने हमें यहाँ दिया है और एक एयरबैग की ब्रांडिंग वहाँ है। तो ये देखो कि दिखी होगी आपको, दो एयरबैग का सेटअप इसमें हमें देखने को मिलता है। हॉर्न की बात करें तो सिंगल पेस का इसमें हॉर्न हमें देखने को मिलता है। वहीं यहाँ देखो प्लस माइनस वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए, ये म्यूट करने के लिए, ये अप डाउन मीटर को, ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट है इसको चलाने के लिए हमें देखने को मिलता है। वहीं रैप की बात करें तो ये रैप कंपनी की तरफ से ही होके आया है, और ये काफ़ी अच्छा स्पोर्टी डिज़ाइन और सॉलिड सी चीज़ इसमें हमें देखने को मिलती है। वहीं अब हम इसके सिम एक सेकंड, ये देखो इसके स्टीयरिंग की बात करें तो ये हमें टिल्ट ही देखने को मिलता है इसके अंदर, हमें टेलीस्कोपिक कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है। तो यहाँ से करते हैं इसे लॉक, ये हो गया लॉक। अब यहाँ से बात करें तो ये इसके लाइट के कंट्रोल्स हो गए सारे, और यहाँ पर बात करोगे तो ये हो गए इसके वाइपर के कंट्रोल कि आपको किस टाइम पे कितना यूज़ करना है वाइपर को। ये देखिए
एसी वेंट की बात करें तो यहाँ एक एसी वेंट, यहाँ साइड में जैसे फोग जम जाती है उसके लिए एसी वेंट, यहाँ दो एसी वेंट कंपनी ने यहाँ दिए हैं, ये बीच में टिक 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 हैजार्ड की लाइट, एक एसी वेंट यहाँ और एक ऊपर की तरफ। वहीं आपको ग्रिल दिख रही है, वहाँ पर कंपनी ट्विटर लगा के देती है, एक वोरी एक येरी दो ग्रिल। नीचे की तरफ देखो ये स्पीकर ग्रिल, एक ये दो ये तीन और एक इस साइड कंपनी लगाई है चार। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये देखो ये सेमी टच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें देखने को मिलता है इस तरीके का, ये 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें देखने को मिलता है। ये आवाज़ इसमें बढ़ गई, सही है मैंने बंद कर दिया वरना कॉपीराइट क्लेम आ जाता। तो ये देखो कुछ इस तरीके का, इसमें हमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों ही देखने को मिलते हैं। 7 इंच का हमें टच स्क्रीन कंपनी ने प्रोवाइड किया है। अब बात करें इसके कुछ बटन्स की, तो ये इको पावर इस मोड में जाने के लिए, ये इसके हाई बीम लो बीम जो कि लाइट के कनेक्शन से, बाकी और भी बटन इसमें अभी वर्किंग नहीं है जैसे आप देख सकते हैं दब नहीं रहे, लेकिन इससे और ऊपर जाओगे तो काफ़ी यहाँ पे और भी बटन आ जाते हैं। अब बात करें इसके एसी की, तो ये आप देख सकते हैं टोटली हमें ऑटोमेटिक एसी इसमें देखने को मिलता है। ये इसमें कुछ एसी के कंट्रोल, ये ऑटो, ये ऑफ, ये एसी की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए कुछ इस तरीके के एसी कंट्रोल हमें दिए हैं। वहीं नीचे की ओर बात करें, यहाँ पर एक ऑक्स आपको दी है, ऑक्स येरी, और वहीं पर ये आपको एक यूएसबी ए टाइप का चार्जर दिया है। वहीं ये देखिए 12 वोल्ट का सॉकेट भी हमें कंपनी ने यहाँ प्रोवाइड किया है। स्पेस की बात करें तो यहाँ आप अपने फ़ोन रख सकते हो और काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें हमें दिया है। स्पेस की बात यहाँ करें तो ये हमें कॉइन रखने के लिए स्पेस, ये दो बोतल कप होल्डर्स यहाँ दिए हैं, पीछे की तरफ एक ये इसमें आर्म रेस्ट नहीं आता, इस मॉडल में कंपनी को देना चाहिए था एक ये स्पेस। वहीं पर बात करें ये इसका हैंड ब्रेक जो कि मैनुअली है। गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड का इसमें मैनुअल गियर बॉक्स देखने को हमें मिलता है जो कि लेदर रैप कंपनी ने हमें ऑटोमेट पहले से ही करके दिया है। वहीं इसके पैडल्स की बात करें तो ये देखो इसमें 3 पैडल ही हमें देखने को मिलते हैं, इसमें डेड पैडल कंपनी ने दिया और ना ही इतना पैर रखने की जगह है। हाँ यहाँ पे थोड़ा हम्प सा दिया कंपनी ने जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन डेडिकेटेड डेड पैडल इसमें हमें प्रोवाइड कंपनी ने नहीं कराया। अब डैशबोर्ड की बात करें तो ये देखो डैशबोर्ड हमें कुछ इस तरीके का टोटल ब्लैक कलर में और प्लास्टिक के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ कंपनी ने सॉफ्ट टच का काम नहीं किया है। ये ग्रिल मैंने दिखा दी थी, एक आपको यहाँ भी दिखाता हूँ। ये देखिए एक ग्रिल, या ये हमारा माइक्रोफोन की ग्रिल है, जैसे आप मोबाइल पे बात करेंगे तो आपकी आवाज़ यहाँ से जाएगी। वहीं हम इसके मिरर की बात करें तो यहाँ हमें सिर्फ टिकट होल्डर ही देखने को मिलता है। इस साइड पे हम देखें तो यहाँ हमें देखने मिरर देखने को मिलता है, लाइट इसमें कंपनी ने नहीं दी है। वहीं हम इसके बैक मिरर की बात करें तो ये हमें मैनुअली डे और नाइट के लिए एडजस्ट करने के लिए हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको इसके सीट के बारे में बताया था, तो आप इसकी सीट देखो बिल्कुल मेरे पैर को टच कर रही है, तो काफ़ी बेहतरीन। जब अभी तक मैंने जितने भी गाड़ियों का रिव्यू किया है अभी तक जो मैंने की हैं उसमें सबसे अच्छी सीट मुझे इसमें देखने की लगी, और जैसे ही मैं उठूँगा तब आपको बताऊँगा कि एक और इसकी सीट की अच्छी चीज़ यही। इस तरीके की काफ़ी अच्छी कुशनिंग की सीट, यहाँ काफ़ी जगह यहाँ। अब यहाँ तो हमें स्पेस मिलने से रहा, तो कंपनी का ये देखो ग्लव बॉक्स देखो आप कितना डीप है। ये देखो काफ़ी चीज़ आपके 2000-4000 भी आ जाएंगे, और वहीं पे ये देखो कूल्ड ग्लव बॉक्स इसमें हमें देखने को मिलता है, और पेपर रखने के लिए एक और कंपार्टमेंट कंपनी ने ऊपर दिया है। टाटा प्रैक्टिकल तो बहुत है, सेफ्टी के साथ साथ कुछ भी कहो टाटा की और कोई कंपनी शायद ही कर पाएगी। वहीं ये मैं आपको दिखाना भूल गया, ये देखो ये पता नहीं कंपनी लगा के देती है ओनर की है। जैसे हम इसमें बैक का गियर डालते हैं तो ये आपको दिखा होगा वो, मैं जूम कर दूं, ये देखो पीछे का कैमरा चालू हो गया और ये आपको रीडिंग के साथ हमें देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके का इसमें यहाँ हमें कैमरा दिया है। अब मैं आपको पीछे की ओर चल के इसका स्पेस दिखाता हूँ। तो ये हमने सीट गेट को ओपन किया, और जो मैं आपसे सीट की बात कर रहा था, तो आप इसकी सीट का एक बार रिक्लाइन एंगल देखो, यहाँ से डाउन और यहाँ से अप है, तो कितना प्यारा आपको रिक्लाइन एंगल देती है। और ये देखो यहाँ से आप इसको
एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट होके ये हमें सीट देखने को मिलती है और ये फोर वे एडजस्टेबल है। अब बात करें इसके पीछे से, तो जैसे ही हम इसके पीछे चलते हैं तो आप डोर का कर्व देखो, कितना अच्छा कर्व इसमें दिया है। सेम ऐसे ही हमें सॉफ्ट टच कहीं भी नहीं, नॉर्मल ये हमें पावर विंडो, वही पुराने ओल्ड स्टाइल का ये। अब अंदर बैठे इसमें तो ये देखिए, अब इसमें अंदर बैठ के आप पहले लेग रूम देखिए। और गाड़ियों की तरह इतना डीप नहीं है, मेरे पैर यहीं तक जा पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल है, जो कि हम इजीली इसको बोल सकते हैं। ये हम्प इसमें देखने को मिलता है और काफ़ी ठीक ठाक हम्प है। अगर ये थोड़ा सा और कम हो तो तीसरा बंदा यहाँ ईजिली बैठ जाए। पीछे के हेडरेस्ट की बात करें तो कंपनी इसमें फिक्स टाइप ही हेडरेस्ट है, एडजस्टेबल नहीं है। वहीं ना इसमें कोई आर्म रेस्ट दिया है, तो भाई टाटा छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दो। वहीं आप देखें, ये देखो एक ग्रिल यहाँ, एक ग्रिल यहाँ, ट्विटर। तो इसमें आपको 8 स्पीकर का सेटअप देखने को मिलता है, 4 ट्विटर 4 स्पीकर। ये देखो अब सीट की, ये काफ़ी अच्छी टच हो रही है मेरे पैर को, तो काफ़ी इसमें थाई स्पोर्ट है, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कंफर्टेबल आपको ये देगी राइड। ये देखो इसके डैशबोर्ड का लुक, तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड का लुक हमें देखने को मिलता है जब हम फ्रंट की तरफ से और पीछे की तरफ से बैठ के देखते हैं। लाइट की बात करें तो इसमें हमें मिडल में एक लाइट देखने को मिलती है, जो कि LED है। LED लाइट इसमें कंपनी ने हमें दी है, एक ही दी है, वही आगे और पीछे दोनों कंपार्टमेंट में इजीली बट जाती है। ये आप देखें, यहाँ भी हमें थोड़ी सी गैप दी है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया टाटा का, यहाँ मैं बोतल डालूंगा तो वैसी यहाँ खड़ी रहेगी, अगर पड़ी भी रहेगी यहाँ तो मैं उसको निकालूंगा कैसे, बार बार इसमें हाथ नहीं फंसेगा। तो टाटा इसका जवाब दो भाई, तुमने क्या किया, अपने इंजीनियर से पूछो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो बनाए यार, चीज़ अच्छी करी है। तो इस तरीके का नोब हमें चारों डोर में क्रोम के साथ दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बूट। तो ये देखिए, ये मैंने इसका बूट ओपन कर दिया है और बूट स्पेस इस हैचबैक में हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। वहीं इसके नंबर की बात करूँ तो 242 लीटर का बूट इसमें देखने को मिलता है, और आप देख सकते हैं कितना डीप इसमें कंपनी ने दिया है। ये हमें ट्रे भी साथ में प्रोवाइड कर दी है और ये इंसुलेशन भी कंपनी ने हमें यहाँ प्रोवाइड कर दी है। तो टाटा ने ये काम भी काफ़ी अच्छा कर रखा है, ये हाइड्रोलिक स्टड्स जो कि इसे रोके रखते हैं। तो इस तरीके का बूट और थर्ड सुनो, कितनी प्यारी थर्ड इसमें हमें देखने को मिलती है। अब मैं इसके इंजन की पावर आपको बोनट ओपन करके दिखा देता हूँ। अब मैं आपको इसका हुड ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप इसका हुड ओपन कर सकते हैं, जो कि हो चुका है। अब इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो इंजन हमें 1.2 लीटर रेवेट्रॉन का इंजन इसमें हमें देखने को मिलता है, 1200 सीसी का, जो कि 3 सिलेंडर के साथ आता है। वहीं इसके पावर की बात करें तो 85 BHP की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इंजन हमें निकाल के देता है। वहीं माइलेज की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, 15 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज आपको निकाल के दे देगा। वहीं इसके अंदर हमें ABS, EBD तो है ही, और यहीं पे हमें ESP भी इसमें देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, जिसकी वजह से अगर कभी आप एकदम इमरजेंसी ब्रेकिंग करते तो डिसबैलेंस आपकी गाड़ी नहीं होगी और काफ़ी अच्छी तरीके से स्टेबल तरीके से खड़ी हो जाएगी। वहीं नीचे हमें इसमें कोई गार्ड देखने को नहीं मिलता, नीचे से खुला है, और टाटा ने बैक में तो दे दिया लेकिन बोनेट में कोई भी इंसुलेशन नहीं दिया। हाँ, इंजन रिफाइन है, आवाज़ नहीं करता, लेकिन यहाँ भी दे देते तो खाली खोखा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ एक छोटी सी दिक्कत टाटा ने छोड़ दी। और भाई बोनेट की बात करें तो काफ़ी हैवी बोनेट है इसका, जो कि आप इसका थर्ड सुन सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की हमें टाटा टियागो XZ+ 1.2 लीटर में देखने को मिलता है। तो ये था कुछ इसका रिव्यू। इसके प्राइस की बात करें तो 6,90,000 के आसपास का इसका एक शोरूम प्राइस हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और भी आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।